आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त आप लोग मेरी टीवी स्क्रीन पर एक शख्स देख रहे हैं, वो शख्स है बीआर शेट्टी। बीआर शेट्टी कल तक बिलियन रुपयों का मालिक था और आज दाने दानों को मोहताज हो चुका है। वो पैसे लेकर के भारत में इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। जो घोटाला वो दुबई में करके भारत में आ करके छुपा हुआ है। बीआर शेट्टी को लेकर के कल मैंने अपने प्राइम टाइम में तमाम बातें आप लोगों के सामने रखी थी और आज बीआर शेट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। दुबई को काला बाजार का विश्व का सबसे बड़ा अड्डा कहा जाता है, जहां आप पूरी दुनिया में कहीं भी घोटाला, चोरी, डकैती करके पैसे समेत शरण ले सकते हैं। आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यूएई की रॉयल फैमिली, यूएई में हर किसी ऐसे घोटालेबाज, डॉन और लुटेरों की संरक्षण रही है। बस उसके पास धन होना चाहिए। उसी यूएई में संघ का एक मोहरा जरा सी बात पर कंगाल होकर भारत में भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि भाजपा और संघ के यूएई में सबसे बड़े फाइनेंशियर और संघ की योजनाओं को यूएई में मूल रूप देते उद्योगपति बीआर शेट्टी की दुबई में लॉकडाउन के बीच सारे बैंकों को खोलकर सिर्फ उनके सारे खाते को सीज कर दिया गया, बल्कि उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। मात्र $8 लेकर यूएई पहुंचे कर्नाटक के ओडीपी के बीआर शेट्टी ने 1970 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बिजनेस की शुरुआत की और अबुधाबी स्थित कंपनी एनएमसी हेल्थ की स्थापना की और मात्र कुछ वर्षों में वे यूएई में अस्पतालों की सबसे बड़ी श्रृंखला के मालिक बन गए। 3 देशों में फैला कारोबार, बिलियन की संपत्ति, दुबई के बुर्ज खलीफा में 2 पूरा फ्लोर, पाम जुमेरा में आलिशान संपत्ति, सैकड़ों प्रॉपर्टी, दर्जन महंगी गाड़ियां, 1 निजी विमान और विंटेज कारों का जखीरा। यूएई में खुद के नाम पर 1 मेट्रो स्टेशन, मिडल ईस्ट के रॉयल परिवारों के साथ बेहतर ताल्लुक, ये सब उनके हाथ से जा चुका है। और भारत में फैली इस्लामोफोबिया की कीमत उनको ब्रिटेन में इनकी कंपनी को लेकर फर्जीवाड़े की एक मामूली सी खबर छपने के कारण चुकानी पड़ी है। और फिर 1970 के दशक से बनाया सपना तिनका तिनका बिखर गया और काले कारनामों वाला देश एक छोटे से आरोप पर बीआर शेट्टी को बर्बाद कर चुका। इनके मित्रवत संबंध वाली यूएई रॉयल फैमिली ही इनकी सारी संपत्तियां जब्त कर रही है। और दरअसल बीआर शेट्टी उसी जहर का शिकार हो गए हैं जो उन्होंने बोया था। और वित्तीय काले कारनामों का गढ़ एक मामूली सी आरोप पर रेड्डी को बर्बाद कर चुका है। दरअसल बीआर शेट्टी यूएई में भाजपा और संघ के सबसे बड़े गुर्गे थे, जो कोरोना को लेकर भारत में तबलीगी जमात और मुसलमानों पर हुए आक्रमण की कीमत वहां चुका गए। टीडीएन वर्ल्ड पत्रिका के अनुसार मिडल ईस्ट में अपना बिजनेस शुरू करने से पहले बीआर शेट्टी ने कर्नाटक में जनसंघ की तरफ से अडुप्पी से निकाय इलेक्शन लड़ा और तब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी से उनके लिए प्रचार किया था। यही नहीं, साल 2016 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केरल में बीआर शेट्टी के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग करके गल्फ देशों में आरएसएस का एजेंडा बढ़ाने पर विचार विमर्श किया था, जिसमें उनकी एनएमसी ग्रुप के सीईओ भी शामिल थे। कॉस्टलाइजेशन पत्रिका की 2016 की खबर के अनुसार बीआर शेट्टी मिडल ईस्ट में आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और कई बड़े एनआरआई बिजनेसमैन आरएसएस को फंडिंग देते रहे हैं। वे संघ का एजेंडा चलाने के लिए यूएई में वे तमाम काम कर रहे थे जो भारत में संघ के फलने फूलने का आधार था। दरअसल तबलीगी जमात और मरकज निजामुद्दीन के सहारे भारत में जिस तरह की सांप्रदायिकता फैलाई गई, देश के अल्पसंख्यकों पर आक्रमण किया गया, उससे गल्फ देशों में बेहद गुस्सा है। और उस पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य का विवादित ट्वीट सामने आने से ये आग में घी जैसा मामला हो गया। यही कारण है कि देश के अब तक के सबसे बड़े सांप्रदायिक प्रधानमंत्री लगातार अपने बयानों से मुसलमानों के हमदर्द दिखने की कोशिश कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अब राष्ट्र को संबोधित करके कोरोना का जिम्मेदार किसी एक धर्म वालों को न ठहराने का हुक्म सुना रहे हैं।
हैं। तो दलाल मीडिया के पैनल डिस्कशन के विषय अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय बिजनेसमैन कम्युनिटी को यूएई कुवैत जैसे देशों में इज्जत से देखा जाता है, लेकिन इस प्रकरण के बाद भारतीय समुदाय में अपनी छवि को लेकर डरे हैं। बीआर शेट्टी के बाद वहां मौजूद एक शख्स के बैंक खाते खंगाले जाने लगे हैं कि उसने कब कितना भाजपा और संघ को चंदा दिया है। बीआर शेट्टी भारतीय मूल के निवासी जो दुबई में जाकर के बसे और बिलियन रुपयों के मालिक हुए, चुटकी बजाते ही दुबई सरकार ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अर्श फर्श तक की कहानी लगातार तमाम लोग आप लोगों के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो बीआर शेट्टी है जो आरएसएस के लिए दुबई में रह करके बड़ा फंड इकट्ठा किया करते थे, और ये वो बीआर शेट्टी है जब अभी 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के दौरे पर गए थे, तो इन्हीं की कृपा थी जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे और दुबई में बीआर शेट्टी के बदौलत उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो पुरस्कार दिया गया उसे लेकर के मीडिया ने हमारे सामने रखा कि बड़ा सम्मान दुबई सरकार ने दिया। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसे दुबई सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। इससे पहले किसी भी नेता को ये सम्मान नहीं दिया गया। कैसे दिया गया ये तमाम तस्वीरें सामने हैं, क्योंकि बीआर शेट्टी बड़े बिजनेसमैन थे, तमाम विदेशों में रह रहे एनआरआई लोगों से किस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी फंड निकालती है वो बीआर शेट्टी थे, जिनके ऊपर नकेल कस करके दुबई सरकार ने कमर तोड़ने का काम किया है आरएसएस का भी। ये बीआर शेट्टी अब भारत में छुपे छुपे घूम रहे हैं और तमाम बातें बीआर शेट्टी को लेकर के शारिक अदील यूसुफ भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि बीआर शेट्टी को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से रातों रात बीआर शेट्टी जो दुबई के बहुत बड़े व्यापारी थे उन्हें कंगाल बना दिया गया, उनके जितने भी खाते थे सबको सीज कर दिया गया है, अभी तक बीआर शेट्टी को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? बीआर शेट्टी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो लॉकडाउन से पहले ही यहाँ आ गए थे, और उनके अकॉर्डिंग उनका जो बयान है वो उनका ये कहना है कि लॉकडाउन हटते ही मैं तुरंत यहाँ से वापस यूएई चला जाऊंगा और वहां पे जाके मैं अपना नाम क्लियर करवाऊंगा जो जिस नाम में मुझे फंसाया जा रहा है। और उनका ये कहना है, उनके साइड की स्टोरी ये है कि उनको फंसाया गया है एक तरीके से, मतलब डायरेक्टली उन्हें नहीं फंसाया गया है, जो कंपनी के और एम्प्लॉयज थे जो और उनके साथ बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने कुछ घपले किए हैं जिनकी वजह से बीआर उसमें घसीटाना पड़ा है, और ये दिक्कत एक उनके लिए बन रही है। और यही उन्होंने अभी तक सिर्फ यही क्लैरिफिकेशन दी है कि एज सच उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो जितना ज्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं करेंगे। शारिक, इसी के साथ साथ हम ये भी सुनने में आ रहा है कि आरएसएस से भी तार जो है बीआर शेट्टी के जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ये शिकंजा कसा गया है उन पर। जी हाँ, आरएसएस से कनेक्शन है इनका, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि इन्होंने यूएई जाने से पहले हिंदुस्तान में एक इलेक्शन लड़ा था जिसमें ये जीते भी थे, म्युनिसिपल इलेक्शन था, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ घूमते थे। और इनका खुद का बयान आया है कई बार जिसमें इन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी कार में घुमाते थे ये, और यहाँ पे इन्होंने इंडिया में अपनी एक मार्केट स्टार्ट की थी आप फार्मास्यूटिकल्स की, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सोचा था कि उस टाइम दुबई नई जगह खड़ी हो रही है यूएई, वहां पे ट्राई करेंगे, जिसमें इन्होंने इनको काफी अच्छा मार्केट वहां का नजर आया था उस वक्त। और जब वहां पे जाके उन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट की थी तो आज देख लीजिए किस जगह मौजूद है, फोर्ब्स के 42nd रैंक पे भी रह चुके हैं और बिलियंस में इनकी टर्नओवर्स हैं जनरल तौर पे, तो काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया था और काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा किया था। उसके अलावा समझने की जरूरत यह है कि बीजेपी से जो कनेक्शन है काफी पुराना है, यानी इंदिरा गांधी जब हिंदुस्तान में थी तब से इनका बीजेपी के साथ जान पहचान है, इनके फादर जबकि कांग्रेस में जुड़े हुए थे, लेकिन इनका शुरुआती दौर से ही बीजेपी जब फॉर्म नहीं हुई थी, अपने प्राइमरी फॉर्म में थी बीजेपी जब पिछले हिस्से में थी, तब से ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जब लास्ट मीटिंग हुई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो इन्होंने ही सारी मीटिंग सेट की थी, इन्होंने सारा चीज का इंतजाम किया था। और जहां तक बात रही आरएसएस की वजह से टारगेट करने की, तो ये आरएसएस की वजह से टारगेट तो बिल्कुल नहीं है, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स पे लगातार फ्लक्चुएशंस आ रहे थे जिसपे नजर नहीं गई थी लोगों की, लेकिन वहां पे कैलिफोर्निया बेस्ड जो रिसर्च टीम थी उनकी मडी वाटर्स की, उन्होंने फ्लक्चुएशन देखा था स्टॉक मार्केट्स में इनका, और क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है स्पेन, इजिप्ट और
ओमान तमाम उन जगहों पे, सऊदी अरब में भी इनकी कंपनी है, उस वजह से वो स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से नजर में आए थे। और फिर जांच पड़ताल के बाद पता चला कि 100 मिलियन डॉलर के चेक लगातार कंपनी के नाम पे सैंक्शन हुए थे, जिसका कोई लिंक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए थे। और बड़ी बात यह है कि उससे कुछ टाइम पहले ही उन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान में और खास के आरएसएस को कि वो फंडिंग करेंगे और हिंदुस्तान में 5 बिलियन डॉलर देने का उन्होंने वादा किया था। तो उन तमाम तारों को जोड़ते हुए ये लिंक तैयार हुआ है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या दुबई के अलावा और मुल्क भी इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है? जी, स्पेन की चांसेस है कि स्पेन इनके ऊपर का शिकंजा कसेगी, और यूनाइटेड किंगडम्स की भी चांसेस है, क्योंकि लगातार स्टॉक मार्केट्स की जो नजरें आई हैं वो यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन हुआ है, और बेसिकली यूरोपियन नेशंस में काफी स्ट्रॉन्गली इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो चांसेस ये है कि वहां से भी बहुत प्रेशर आने वाला है इनके ऊपर। बीआर शेट्टी के ऊपर जो नकेल है वो स्पेन और लंदन भी कसने वाला है, क्योंकि वहां भी उनका बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और दुबई सरकार ने अब तमाम भारतीय मूल निवासियों के बैंक खाते टटोलना शुरू कर दिए हैं कि किन किन की तरफ से कब कब किस समय में आरएसएस को बड़ा फंड दिया गया है।